ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर है, नेस गैस का ब्रांड है ये, ठीक है ना। देखें ये ऊपर टॉप के ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ग्लास क्लैरिक है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये आपका जो है इसमें जेल बोतल दी हुई है, प्लस इसमें देखें फिंस अप एंड डाउन हो जाती है, और ये 70% बिजली की बचत है इसके अंदर, इन्वर्टर लगा हुआ है, 99.9% कॉपर के अंदर है। और इसकी एयर थ्रो कैसी है? एयर थ्रो देखें इसकी भी तकरीबन जो है ना 10 से 12 फीट जाती है, 10 से 12 फीट जा रही है। देखें इसमें एक हमारे पास ये मॉडल मिल जाएगा, ये डीसी के लिए है, और ये हमने थोड़ा सा कम रेटों के लिए रखा हुआ है कि किसी कस्टमर की रेंज कम होती है, तो ये तकरीबन 12,500 रुपए का कूलर है हमारा, 12,500 रुपए का है। ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको कॉर्नर पे दिखाई है, एसी में बिल्कुल सेम यही चीज होगी, यानी ये एसी में मॉडल रखा हुआ है, वो हमारे पास डीसी में रखा हुआ है। इसके अलावा एक मॉडल और रह गया है, वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, एक यही लाइट का मॉडल है हमारे पास। ये मॉडल जो है ना उन लोगों के लिए होता है जो सिंगल पर्सन यूज कर रहे हैं, या शॉप में लगाना चाह रहे हैं, या किसी ऑफिस में लगाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत स्मार्ट मॉडल होता है। ये एयर कूलर में आएगा या एसी? ये एयर कूलर में आएगा, देखिए यहाँ बकायदा मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ना एलाइट एयर कूलर इसमें मेंशन हुआ हुआ है, इसकी देखिए हर चीज इसमें मेंशन है, 12 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, ये यूपीएस पर वर्क करता है, 130 वाट कंज्यूम करेगा। अच्छा। इसके अंदर आपको आयोनाइजर मिलेगा, यानी कि जो हवा को क्लियर करने के लिए होता है, ह्यूमिडिफायर मिलेगा जो आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं जब खुश मौसम होता है, बाकी जो आपका एयर कूलर का फंक्शन है वो सब मौजूद है। दो जेल बोटल होती है इसके साथ में, इसके साथ रिमोट होता है, टच है इसमें आपको, यानी कि डिस्प्ले शो करेगा, टेम्परेचर वगैरह बताएगा, तकरीबन ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक है। जो आपके एसी में फीचर्स होते हैं ना वो सारे फीचर्स इसमें मौजूद है। मॉडल ये लगा हुआ है बराबर में, ये हमारे पास ये होममेड कंपनी, ये भी जैकपॉट की ब्रांड है होममेड के नाम से। इसके अंदर 12 वोल्ट का कूलर है हमारे पास जो ये लगा हुआ है। सही, इसमें ये होता है कि किसी के पास सोलर पैनल लगा हुआ है या बैटरी है, या जहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा होती है वहाँ पे ये मॉडल हमारा ज्यादा चलता है। और ये एसी में चलेगा? ये एसी में चलाने के लिए एक सप्लाई मिलती है, चार्जर होता है ना बैटरी चार्ज करने का, उस तरह का चार्जर लगाएंगे तो ये बिजली पे भी चल जाएगा। सही सही सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम बता दे और शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवाएं कि क्या क्या वैरायटी आपके पास? जी जी, देखिए मेरा नाम उमेर है और मेरी शॉप का नाम है नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारे पास देखिए सीजन के हिसाब से वैरायटी होती है। अभी सीजन एयर कूलर का चल रहा है, ये पूरी वैरायटी देखिए हमने एयर कूलर की लगाई है, और हमारा होलसेल का काम होता है कि कस्टमर अगर सिंगल पीस चाहे तो वो भी मिल जाते हैं, अगर कोई दुकानदार लेना चाहे तो उसको भी हम देते हैं, बाकी आउट ऑफ सिटी भी हम डिलीवरी करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी हमारा कराची में होता है, आउट ऑफ सिटी हम लोग एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं। बाकी मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, 0334-332-7021, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी आप किसी भी ब्रांड का कोई भी कूलर हमसे चाहेंगे तो हमारे पास होलसेल में आपको मिलेगा, पूरी मार्केट से कम रेट होंगे हमारे। और एसी डीसी दोनों मिलेंगे? एसी डीसी भी मिलेगा, खाली डीसी भी मिल जाएगा, खाली एसी भी मिल जाएगा, उसमें आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो साइज चाहेंगे हमारे पास मौजूद होगा। और कम स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से? देखिए स्टार्टिंग प्राइस जो कूलर आ रहे हैं ना वो 12,500 से शुरू हो रहे हैं, 12,500 से 13,500, 15,500, जिस तरह की कस्टमर की रेंज होगी अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे पास चीज मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए मैं यहाँ से वैरायटी शुरू करूंगा, ये स्टार्टिंग से हमारी वैरायटी लगी हुई है, इसमें छोटे से शुरू होता है फिर बड़े तक जो है सारे मॉडल में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सही है। सबसे पहले हम छोटे से शुरू कर, ये हमारे पास स्टार्टिंग साइज है 25 लीटर टैंक के साथ होता है, ये जैकपॉट का मॉडल है 8900। सही, और इसके प्राइस भी साथ साथ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इसके रेट है 12,500 रुपए, 12,500 का जी। अच्छा ये 25 लीटर में क्या था, एक बाल्टी हो गई नॉर्मल? एक बाल्टी के बराबर होता है, अमूमन जो नाने वाली बाल्टी होती है 30 लीटर की होती है, तो एक बाल्टी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। सही, और इसकी एयर थ्रो कैसी है? एयर थ्रो इसकी तकरीबन 8 फीट की होती है। बेसिकली छोटे जो कूलर होते हैं ना वो 1% में यूज होते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास है या कोई पेशेंट है या अकेले आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर लें। अमूमन ये बेड को कवर करता है, बेड को, जैसे कि आपका बेड है ना, बेड के पास कॉर्नर टेबल होती है, आप उसके ऊपर रख के आप इसको आराम से बेड के ऊपर एयर ले सकते हैं। सही, और इसमें पानी वानी का कुछ ऐसा कुछ मसला तो नहीं, करंट वगैरह का? नहीं, करंट का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जितनी भी चीज होती है वो सब अंदर होती है, पानी आप जो डालेंगे वो कूलर के अंदर रहेगा, प्लस ये टोटल प्लास्टिक बॉडी होता है, ये जो बॉडी होती है ना ये टोटल प्लास्टिक की होती है, और ये अच्छी बॉडी होती है, डैमेज भी नहीं होती, एबीएस प्लास्टिक के ऊपर होती है। और इसके अलावा? इसके अलावा देखिए एसी का नेक्स्ट मॉडल है ये लगा हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती है पानी की, 35 लीटर का टैंक होता है, बाकी फैन कैपेसिटी वही है, थ्रो भी वैसे ही है, हाइट भी तकरीबन थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है टैंक की वजह से, प्लस ये 1 ईयर वारंटी के साथ होते हैं, और ये जैकपॉट का ब्रांड है ताइवान का, ताइवान का ब्रांड होता है, 100% कॉपर में होता है, और 1 साल की होम सर्विस वारंटी है। सही, और इसकी क्या प्राइसिंग है? इसके प्राइस है 13,500 रुपए, 13,500 का। अच्छा एयर थ्रो मेरे ख्याल से दोनों की सेम, दोनों की सेम है क्योंकि फैन साइज बराबर है। सही, अब अगर आप इसमें थोड़ा सा बड़ा थ्रो चाहते हैं, ज्यादा थ्रो चाहते हैं, तो ये वाला मॉडल इसका हमारे पास मौजूद है, 9005 मॉडल है ये, और ये भी इसी ब्रांड का है जैकपॉट का। इसमें ये होगा कि थोड़ा सा फैन बड़ा होने की वजह से कवरिंग ज्यादा हो जाती है, जैसे कि आपके पास 1 से ज्यादा लोग अगर बैठे हैं तो आप उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका थ्रो तकरीबन 12 से 14 फीट होता है।
12 से 14 फीट का है जी, डबल हो गया तकरीबन, डबल हो गया तकरीबन। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी वाटर टैंक इसका 50 लीटर का होता है। अच्छा, इसमें बर्फ वगैरह कहाँ से डालेंगे? बर्फ के लिए देखें टॉप कवर होता है, उसके अंदर जगह होती है। देखें इस तरीके से हर कूलर में जगह बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से पानी भी इजीली फीड कर सकते हैं और इसमें जेल बॉटल्स वगैरह डाल सकते हैं, चाहे तो आइस वगैरह डाल लें, आइस भी डाल दें। और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है? टेम्परेचर में देखिए अच्छा खासा फर्क पड़ता है, लेकिन कमरे में आपके वेंटिलेशन होनी चाहिए। अच्छा, रूम कूलर यूज करने के लिए कमरे में एक विंडो और एक दरवाजा होना चाहिए जो ओपन करना है आपने, ओपन कर। और अगर ये दोनों चीजें अपोजिट होंगी तो बहुत अच्छा है, यानी कि डोर के अपोजिट विंडो होनी चाहिए। अच्छा, सेम एक ही दीवार में दो चीजें होंगी, पीछे से बंद होगा तो फिर वेंटिलेशन नहीं बनेगी। सही, सही। कंपनी कहती है कि एयर कूलर कोई भी यूज करना है उसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। सही, एक दरवाजा एक साइड पे और दूसरी खिड़की अपोजिट खिड़की दूसरी साइड पे होगी, तो बीच में आप कूलर रख के चलाएंगे तो आपको थ्रो में मजा आएगा, मजा आएगा। और ठंडक भी होगी हवा के अंदर। सही हो गया। अच्छा, ये जो मॉडल मैं आपको बता रहा था इसके प्राइस भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इसके रेट है 18,500। सही हो। अच्छा, प्राइस नेगोशिएबल है? देखें ये जो रेट होते हैं ना, ये अभी जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ आज की डेट के लिहाज से, आगे क्या होता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है हमारे पास डिस्काउंट कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से डिस्काउंट रेट कम होते हैं। स्टॉक भी मेरे ख्याल से लिमिटेड होगा। स्टॉक में ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा स्टॉक होता है हमारे पास, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, पूरे पाकिस्तान में हम लोग डिलीवरी भी करते हैं, तो ये कोई दुकानदार भी हमसे परचेस करना चाहेगा तो उसको भी अच्छे रेट में हम देंगे। सही, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जाएगा ना वही मिल जाएगी। अच्छा, ये प्राइस जो 18,500 ये कम होंगे? देखिए कम तो नहीं हो सकते हैं, हाँ बढ़ जाते हैं। अच्छा, बढ़ जाते हैं कम तो नहीं होते। बाकी प्लस इसी में देखें एक मॉडल ये लगा हुआ है बराबर में, ये हमारे पास ये होममेड कंपनी, ये भी जैकपॉट की ब्रांड है होममेड के नाम से। इसके अंदर 12 वोल्ट का कूलर है हमारे पास जो ये लगा हुआ है। सही, इसमें ये होता है कि किसी के पास सोलर पैनल लगा हुआ है या बैटरी है या जहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा होती है वहाँ पे ये मॉडल हमारा ज्यादा चलता है। और ये एसी में चलेगा? ये एसी में चलाने के लिए एक सप्लाई मिलती है, चार्जर होता है ना बैटरी चार्ज करने का, उस तरह का चार्जर लगाएंगे तो ये बिजली पे भी चल जाएगा। सही, सही, सही। और इसकी क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 18,500। और इसकी एयर थ्रो सेम है? एयर थ्रो इसकी तकरीबन 12 से 14 फीट एयर थ्रो होती है, अच्छी थ्रो इसकी। अच्छा, और इसके जो बराबर में? इसके बराबर में देखिए एक मॉडल लगा हुआ है होममेड कंपनी का, इसी का मॉडल है जो मैं आपको डीसी में दिखा रहा था, ये बिजली वाला मॉडल है इसका, और इसका थ्रो तकरीबन होता है 16 फीट का थ्रो होता है, टैंक इसका 70 लीटर का होता है, 1 ईयर इसमें वारंटी होती है। बाकी ये नॉइस फ्री कूलर होते हैं, इसमें आवाज भी नहीं होती, साउंड नहीं होता। ये मेरे ख्याल से ये बराबर में चल रहा है, इसकी भी नॉइस बहुत कम है। देखिए नॉइस इसकी भी बहुत कम है, बाकी जो ये वाले मॉडल्स है ना इनकी नॉइस और कम है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड कूलर है। अच्छा, ये ओरिजिनल ताइवान के कूलर है। सही हो गया। ये मॉडल हमारे पास 70-10 लगा हुआ है, इसके प्राइस मार्केट में चल रहा है 21,000 रुपए, हम आपको डिस्काउंट करके देंगे 20,000 रुपए में डिस्काउंट करके। इसका साइज सबसे बड़ा है मेरी, साइज ये बड़े साइज का है ना, 70 लीटर वाटर टैंक है इसका। सेम देखे नेक्स्ट इसी का मॉडल इसके बराबर में लगा हुआ है, ये 70-20 मॉडल है, इसका वाटर टैंक वही 70 लीटर का होता है, 1 ईयर वही वारंटी है, वही ग्रिल है, थोड़ा सा डिजाइन का फर्क होता है, और इसके प्राइस मार्केट में चल रहा है 22,000 रुपए, हम आपको देंगे 21,000 रुपए में दे देंगे। और डिलीवरी चार्जेस? डिलीवरी चार्जेस देखिए अलग होते हैं, बाकी कराची के रेट अलग होते हैं, आउट ऑफ सिटी रेट अलग होते हैं, तो जिसको जहाँ भी मंगाना होगा वो हमें जगह बताएगा तो हम उसके हिसाब से डिलीवरी के भी पैसे बता देंगे। और ये कॉपर में वाइंडिंग होती है? ये कॉपर वाइंडिंग है सर। प्लस देखें इसी का एक मॉडल हमारे पास लगा हुआ है एशिया वालों का, सुपर वन एशिया का मॉडल है, ये भी नया मॉडल आया, बहुत अच्छा मॉडल है, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ नीचे से, देखें ये लगा हुआ। अच्छा, फिनिशिंग बड़ी बेहतरीन है इसकी। फिनिशिंग देखें बहुत अच्छी है इसका, प्लास्टिक मटेरियल बहुत अच्छा होता है, ये प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, ये एबीएस प्लास्टिक होता है। अच्छा, एबीएस प्लास्टिक है, देखें ये दोनों कवर्स इसके ओपन होंगे, यहाँ पे आप जेल बॉटल बर्फ वगैरह सब चीजें डाल सकते हैं। जेल बॉटल भी आप साथ ही देंगे? साथ इसके आती नहीं है, वो हम अलग से देते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसकी 350 का एक बोतल मिलती है 350 रुपए। अच्छा, ठीक है ना, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, वो एक ले, दो ले, चार ले। बाकी देखें इसमें मेरे ख्याल से ये डिफरेंस होता है, वो पिघलती इतना पिघलती नहीं है, देर से पिघलती है, देखिए इसमें फिंस ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो जब आप इस्तेमाल ना करें तो ऐसे ही डाउन होकर बंद भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाएंगे, इसमें ना ये पूरे पैक हो जाते हैं, ठीक है ना, इसमें डस्ट वगैरह नहीं आती, बच्चे को जिस मारेंगे तो डैमेज नहीं करेगा। अच्छा, ये इसके वो हार्ड है, ये प्लास्टिक इसका अच्छा प्लास्टिक है, डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये व्हाइट प्लास्टिक है ना, व्हाइट प्लास्टिक खराब नहीं होता बिल्कुल, और एबीएस प्लास्टिक है, डैमेज नहीं होता। बाकी मैं आपको उसका थ्रो वगैरह भी दिखा देता हूँ, चला के दिखा देता हूँ। वैरायटी तो आपके पास बहुत बड़ी बेहतरीन वैरायटी है जी, पूरी मार्केट से अच्छी वैरायटी हमारे पास है और सबसे कम रेट में हमारे पास मौजूद है। देखें इसका थ्रो देखें 16 फीट का होता है, बाकी देखें इसके अंदर ये स्विंग होती है, ये देखें स्विंग मूव करेगी, एक से ज्यादा लोग अगर कमरे में बैठे हैं तो आप इसके साथ स्विंग के साथ यूज कर सकते हैं। अगर अभी इसका टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होगा, अगर हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें आप पानी डालेंगे, आइस डालेंगे तो टेम्परेचर में ऐसी बात है फर्क आएगा, हवा ठंडी हो जाएगी, वैसे देखिए अभी भी हवा ठंडी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थ्रो भी देखें काफी दूर तक जा रहा है, मैं इतना दूर खड़ा हूँ, ये तकरीबन 16 से 18 फीट थ्रो आपको आराम से मिलेगा इसके अंदर, और ये माइक में फील हो रहा होगा कि इसकी थ्रो बहुत ज्यादा है। जी जी। बाकी इसमें देखें फंक्शन दिए होते हैं, हाई लो स्पीड होती है, फैन ऑप्शन होता है, स्विंग होता है,
अप एंड डाउन ग्रिल है। टैंक भी मैं आपको बता दूं, उसका 70 लीटर का टैंक है, 70 लीटर का। और ये प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं ना, ये ABS प्लास्टिक है, ये डैमेज नहीं होता, प्लास्टिक मटेरियल बहुत अच्छा है। इसके मैं आपको प्राइस भी गाइड कर देता हूँ, इसके प्राइस 19,000 रुपए चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है, वो हम कस्टमर को कर देते हैं। 19,000 अभी के रेट है जी, अभी के रेट है, बाकी इसमें देंगे डिस्काउंट भी देंगे। इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू हमसे कोई कांटेक्ट करेगा तो उसको भी बेनिफिट देंगे, रेट कम करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बेहतरीन बात कही थी आपने, है ना। अच्छा एक मॉडल देखें, हमारा एक रनिंग मॉडल यहाँ लगा हुआ डेमो के अंदर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ कि कूलर में जब पानी डालते हैं तो किस तरीके से पानी वो उठाता है। देखिए जितने भी कूलर होते हैं ना, उसमें पानी ना ऊपर से डलता है, ऊपर से डलता है, यहाँ से आप पानी डालेंगे ना, ये साइड में जगह होती है, यहाँ से पानी नीचे चले जाता है। ये थोड़ा गंदा आपको नजर आ गया क्योंकि हमने डेमो पे लगाया हुआ है, ये यूज हो रहा है, चेक कराने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, दिखाने के लिए कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, पानी कैसे डलता है, कैसे उठता है। देखिए इसमें एक कूल ऑप्शन होता है हर कूलर के अंदर, कूल ऑप्शन को ऑन करते हैं ना तो फिर पानी अंदर से नीचे से टैंक से ऊपर आता है। देखिए इसमें ऊपर आना शुरू, पानी आना शुरू, यहाँ ऊपर आ जाता है, ये पूरी बास्केट इसकी भर जाती है। इसके अंदर आप चाहें तो जेल बोटल डाल लें, चाहें तो इसके अंदर आइस डाल लें, उसके बाद ये साइडों में पानी नीचे जाना शुरू हो जाता है। अच्छा इसकी अभी एयर थोड़ा ठंडी है, खाली पानी डला हुआ, पानी डला हुआ, इस वजह से आप जब इसमें आइस डालेंगे, इसके अंदर आप जेल बोटल डालेंगे तो इसके थ्रो में मजीद फर्क आएगा, इसकी थ्रो की लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी ठंडक भी बढ़ जाएगी। ये मेरे ख्याल से आपकी शॉप में सबसे बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज मेरे पास ये मौजूद है। आप बैक साइड में एक साइज बड़ा हुआ है, वो भी यही साइज है, वो भी यही, वो भी यही साइज है, 19-20 फर्क है, बाकी थ्रो फैन साइज सब बराबर है। अच्छा इसकी इसकी एयर थ्रो बहुत ज्यादा है, इसकी एयर थ्रो बहुत अच्छी रही है, तकरीबन 18 फीट तक इसकी थ्रो जाती है। अगर रस्ते में कोई सामान नहीं पड़ा हुआ तो हवा कहीं यानी कि रुकेगी नहीं और आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इसकी क्या प्राइस देंगे? इसके प्राइस देखें अभी चल रहा है 18,500 रुपए, 18,500 रुपए बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज। और मोटर वाइंडिंग इसकी? मोटर वाइंडिंग इसमें कॉपर की दी हुई है, 1 ईयर इसमें वारंटी देती है कंपनी, 1 साल की वारंटी। अच्छा इसका बिल वगैरह ज्यादा तो नहीं आता? देखें ये कूलर जितने भी होते हैं ना, ये 180-200 वाट 220 वाट तक के होते हैं। अमूमन जो छत का पंखा होता है वो 100 वाट कंज्यूम करता है, जो अच्छे ब्रांड में आप लेंगे ना तो ये समझ लेंगे 1.5 से 2 पंखे के बराबर होता है। बिजली का इतना फर्क नहीं पड़ना आपको बिल में, लेकिन आपने क्या करना, जब आप कूलर यूज कर रहे हो तो छत का पंखा बंद कर दें, क्योंकि छत का पंखा आपको गर्म हवा देगा, ये ठंडी हवा देगा तो हवा भी खराब हो जाएगी, ना ठंडी का पता चलेगा ना गर्म का पता चलेगा, बिल ज्यादा आएगा, बिल भी ज्यादा आएगा। उससे बेहतर है कि आप खाली कूलर यूज करें। सही। प्लस देखें इसी में एक मॉडल हमारे पास ये सामने लगा हुआ है। अच्छा ये न्यू मॉडल है? ये भी मॉडल है, न्यू तो खैर नहीं कह सकते, ये सारे मॉडल ही न्यू है। अच्छा अच्छा, इतने भी मॉडल है सारे न्यू लगे हुए, जो मैं आपको सुपर वन का मैंने आपको ये वाला मॉडल दिखाया था, ये भी बिल्कुल नया मॉडल है हमारा 2023 का, पिछले साल ये मॉडल नहीं था। सही है। बाकी ये मॉडल जो है ना, ये रेगुलर मॉडल है, ये हमारे पास आते रहे, 1.5 साल से ये चलते आ रहे हैं रनिंग के अंदर, इनकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, बाकी अभी जब से ये आया है तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। ये जो मॉडल लगा हुआ है ना, ये आपको 15,000 का मिल जाएगा, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का मिल जाएगा, ये 15,000 का मिल जाएगा, जबरदस्त हो गया। इसका भी साइज बहुत बड़ा है, इसका भी साइज अच्छा दिया हुआ, इसी साइज का कूलर है जो ये चल रहा है। अच्छा इन दोनों की प्राइस डिफरेंस इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? देखिए प्राइस डिफरेंस इतनी ज्यादा आ रही है कि ये जो कूलर बने हुए ना, ये हमारे गुजरांवाला के बने हैं। अच्छा ये जो मॉडल हमारे पास लगे हुए, ये ताइवान के चाइना है तकरीबन जी। इसी में देखें हमारे पास दो नए मॉडल हो रहे हैं, जो इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियो है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसमें देखें एक MD का ये मॉडल लगा हुआ है, क्योंकि अभी सीजन शुरू हो गया ना तो बहुत सारी कंपनियों के नए नए मॉडल हमारे पास आते जा रहे हैं, और नई नई कंपनियां भी आती जा रही है, नई कंपनी आ रही है। ये भी अच्छी क्वालिटी के ऊपर बने हुआ कूलर है, ये इस वक्त चल रहा है 22,500 रुपए, 22,500 का। ये ब्रांड में आ जाते हैं मेरे ख्याल, ये ब्रांड के अंदर आ जाता है, ये MD का ब्रांड है। इसी में एक मॉडल देखिए और लगा हुआ है, ये थोड़ा और महंगा पड़ेगा आपको, इसका साइज बहुत बड़ा है मेरे ख्याल, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। देखें ये मिलेगा आपको 28,500 रुपए, इसकी टंकी भी बड़ी है, साइज बड़ा है, थ्रो ज्यादा है इसके अंदर। इसकी क्या प्राइसिंग होगी? ये 28,000 रुपए का मिलेगा, वो आपको 22,000 रुपए का। अच्छा ये क्या चीज है? ये यहाँ से पानी वगैरह डाल सकते हैं, खुल जाता है, भी डाल सकते हैं, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आइस भी डाल सकते हैं, आइस भी डल जाती है इसके अंदर, देखें लॉक हुआ देखें। अच्छा जबरदस्त हो गया, आइस क्यूब डाल सकते हैं, आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और पानी भी फिट कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइसिंग बताइए आपने? ये 28,000 रुपए का, 28,000 का। ये ब्रांड में आ जाते हैं, इनकी प्राइस इसलिए ज्यादा है। कम से कम कितने तक होगा आपके पास? बड़े साइज देखे हैं, मेरे पास आपको बड़े साइज में ये वाला मॉडल मिलेगा, ये पायल के नाम से भी आता है हमारे पास, मिट्सुबिशी के नाम से भी आता है, ये मॉडल आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए। और इसमें कुछ गुंजाइश? इसमें देखें रेट तो बहुत अच्छे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वक्त के साथ साथ रेटों का कुछ पता नहीं होता है। इंशाल्लाह कस्टमर कॉन्टेक्ट करें हमसे, और इस टाइम सीजन के टाइम पे मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बताऊंगा तो उस पर कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि कॉल आप करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा क्योंकि कस्टमर्स का रश होता है। व्हाट्सअप पे मैसेज करें, जो डिटेल चाहिए हम आपको बताएंगे। सही हो गया। इसके अलावा एक मॉडल और रह गया है, वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, एक ई लाइट का मॉडल है हमारे पास। ये मॉडल जो है ना, उन लोगों के लिए होता है जो सिंगल पर्सन यूज कर रहे हैं या शॉप में लगाना चाह रहे हैं या किसी ऑफिस में लगाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत स्मार्ट मॉडल होता है।
एयर कूलर में आएगा, देखे यहाँ बकायदा मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, इलाइट एयर कूलर इसमें मेंशन हुआ हुआ है, इसकी देखे 38 इसमें मेंशन है, 12 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, ये यूपीएस पे वर्क करता है, 130 वाट कंज्यूम करेगा। अच्छा। इसके अंदर आपको आयोनाइजर मिलेगा यानी कि जो हवा को क्लियर करने के लिए होता है, ह्यूमिडिफायर मिलेगा जो आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं जब खुश मौसम होता है, बाकी जो आपका एयर कूलर का फंक्शन है वो सब मौजूद है। दो जेल बोटल होती है इसके साथ में, इसके साथ रिमोट होता है, टच है इसमें आपको, यानी कि डिस्प्ले शो करेगा, टेम्परेचर वगैरह बताएगा। तकरीबन ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक है, जो आपके एसी में फीचर्स होते हैं ना वो सारे फीचर्स इसमें मौजूद है। सही हो गया। इस तरह एसी के फिल्टर्स निकल जाते हैं, इसके फिल्टर भी निकल जाते हैं। फिल्टर भी इसके चेंज हो जाएंगे, फिल्टर इसके वॉश हो जाते हैं, वॉश करें आप दोबारा लगा दें, वॉशिंग वाले होते हैं वो रिप्लेस करने वाले नहीं होते। सही हो गया, वॉशेबल है। और बाकी प्राइसिंग है, देखिए इसके प्राइस अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 35,500 रुपए चल रहा है, इसमें हमने बहुत अच्छा इसका डिस्काउंट दिया हुआ है कस्टमर्स को, अभी हम 30,000 में चला रहे हैं, 30,000 रुपए में आपको मिल जाएगा, और इवन 5,500 का सर डिस्काउंट है इसमें। और इसकी वारंटी वगैरह, वारंटी देखें इसमें 1 ईयर होती है, 1 साल की कंपनी वारंटी इसके साथ मौजूद है। देखें इसमें एक हमारे पास ये मॉडल मिल जाएगा, ये डीसी के लिए है और ये हमने थोड़ा सा कम रेटों के लिए रखा हुआ है, किसी कस्टमर की रेंज कम होती है तो ये तकरीबन 12,500 रुपए का कूलर है हमारा, 12,500 रुपए का है। ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको कॉर्नर पे दिखाई है, एसी में बिल्कुल सेम यही चीज होगी, यानी ये एसी में मॉडल रखा हुआ है वो हमारे पास डीसी में रखा हुआ है। आप एसी में परचेस करेंगे तो 15,000 के रेट मिलेंगे, 1 साल की वारंटी मिलेगी, आप डीसी में लेंगे तो 12,500 का मिलेगा, लेकिन डीसी कूलर में वारंटी नहीं आती, सही है, कंपनी की तरफ से नहीं होती। और इसकी एयर थ्रो ज्यादा है या डिफरेंस इसके थ्रो में ये होता है कि देखें 220 की एयर थ्रो तकरीबन 16 फीट की बनती है, इसकी थ्रो बनती है तकरीबन 8 फीट की होती है, आधा फर्क आ जाता है। इसी में देखें हम एक चीज और आपको दिखा देते हैं, एक इन्वर्टर में हमारे पास मॉडल आया हुआ है जो ये अंदर लगा हुआ है, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर है, नेस गैस का ब्रांड है ये, ठीक है ना। देखें ये ऊपर टॉप के ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ग्लास क्लियरिक है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये आपका जो है इसमें जेल बोटल दी हुई है, प्लस इसमें देखें फिंस अप एंड डाउन हो जाती है, और ये 70% बिजली की बचत है इसके अंदर, इन्वर्टर लगा हुआ है, 99.9% कॉपर के अंदर है। और इसकी एयर थ्रू कैसी है? एयर थ्रू देखें इसकी भी तकरीबन जो है ना 10 से 12 फीट जाती है, 10 से 12 फीट जा रही है। और इसकी प्राइसिंग क्या है? प्राइस देखें सब मार्केट के प्राइस चल रहे हैं 21,000 रुपए, हम इसको डिस्काउंट करके आपको दे देंगे 19,000। और इसमें ग्लास वगैरह दिया हुआ है, फिनिशिंग बड़ी बेहतरीन है, फिनिशिंग अच्छी दी हुई है, ये इंपोर्टेड कूलर है। और कितने लीटर का टैंक है इसका? तकरीबन 50 लीटर का टैंक है, 50 लीटर का टैंक है, सही। अच्छा अभी हम बाहर आ गए, बाहर क्या दिखा रहे हैं आप? बाहर देखें मैं आपको वो पीस दिखा रहा हूँ जो मैंने अंदर, जाहिर सी बात है जगह का एक मसला होता है तो हमने पीसेस खोल के नहीं लगाए हुए, तो वो पीस मैं आपको ब्रांड के अंदर दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे पीसेस जो है ना हमारे पास पैक रखे हुए, देखिए इसमें हमारे पास जीएफसी का ब्रांड है, सही, हमारे पास देखे जैकपॉट का ब्रांड है, ये होममेड का मैंने अंदर अनबॉक्स करके भी आपको दिखाया है, ये देखे नेस गैस का लगा हुआ है, एसीडीसी वाला मॉडल है, ये हाइब्रिड मॉडल कहलाता है, इसमें डीसी भी होता है एसी भी होता है। अच्छा दोनों चल जाएंगे? दोनों चीजें चल जाएंगे इसके अंदर। बाकी देखें ये पहल का मॉडल अंदर मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी पैकिंग है, बाकी देखें कैनवुड होता है हमारे पास, इसके अलावा देखें सुपर एशिया का मॉडल लगा हुआ है, 4600 मॉडल सुपर एशिया का लगा हुआ है, इसके सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे सुपर एशिया के, 5,000, 6,500, 3,500, 4,500 इसके सारे मॉडल हमारे मौजूद होते हैं। और ये सुपर एशिया के यूज भी मेरे ख्याल से डिमांड भी बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए सुपर एशिया पहले नंबर पे चल रहा था, अभी दूसरे ब्रांड जो आ गए ना वो अच्छे बने हुए, जैसे मैंने अंदर आपको एमडी के दिखाए हैं, मित्सुबिशी दिखाए हैं, पहले के दिखाए, ये सारे मॉडल गुजरांवाला के होते हैं, सुपर एशिया भी गुजरांवाला का ब्रांड है, ये भी गुजरांवाला का, और ये अच्छे मॉडल बने हैं। और प्राइस में मेरे ख्याल से प्राइस में देखा डिफरेंस है, जाहिर सी बात है महंगाई का टाइम है, कस्टमर को अच्छी चीज मुनासिब रेट में मिलती है तो कस्टमर उसको पसंद करता है, सुपर एशिया के रेट ज्यादा है, उसी रेट वही क्वालिटी आपको दूसरी चीजों के अंदर कम रेट में मिल जाती है, बिल्कुल वही सेम वारंटी होती है, वही सब चीजें होती है, सही है। और अभी आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। शॉप का एड्रेस मैं आपको गाइड कर देता हूँ, देखें बिल्कुल गली से आप निकलेंगे सामने आपको जहांगीर पार्क नजर आएगा, बिल्कुल जहांगीर पार्क के सामने सीधी सीधी गली में आप आएंगे तो सेंटर में हमारी शॉप पड़ेगी, देखें बोर्ड लगा हुआ हमारा नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और हमारी कराची में सिर्फ एक यही ब्रांच है, बाकी नदीम के नाम से दुकानें तो बहुत सारी आपको मिलेंगी, लेकिन ये हमारी एक ही ब्रांच है, यही हमारा होलसेल का काम है, पूरी मार्केट से हमारा रेट कम होता है, वैरायटी आपको सारी मिलेगी हमारे पास, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर गाइड भी करेंगे, रेट भी अच्छे देंगे। और एयर कूलर की तकरीबन वैरायटी? तकरीबन एयर कूलर की देखें सीजन के हिसाब से होता है, अभी इस वक्त देखें हमारे पास पूरी रेंज लगी हुई है एयर कूलर की, तो सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी, बाकी जब सीजन चेंज होता है तो हमारे पास फिर उसके हिसाब से वॉशिंग मशीनों की वैरायटी आ जाती है, बेबी वॉशर की वैरायटी आ जाती है, गीजर की वैरायटी आ जाती है। और मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूँ, अपना नंबर बता देता हूँ जो व्हाट्सएप के ऊपर है, 0334-3327-021 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, कोशिश करेंगे कॉल नहीं करें, वॉइस मैसेज करें, ताकि हम जैसे फ्री होते हैं ना तो हम रिप्लाई कर देते हैं, कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते रश के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल रश बहुत ज्यादा होता है और कॉल अटेंड एक एक ही कहेंगे तो टाइम ऐसे ही हो। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया, ठीक है, चले अल्लाह।